है आधुनिक काल में विश्व। तो पहला टॉपिक है आपका आधुनिक समय की संकल्पना। आधुनिक युग का प्रारंभ 15वीं शताब्दी में हुआ था, यूरोप में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार के साथ हुआ। इसके विपरीत में भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत की पराधीनता यानी कि भारत की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात 18वीं शताब्दी में हुआ था। आधुनिक भारत मध्य भारत में पूर्णतः भिन्न है, जो बिल्कुल अलग है। आधुनिक काल के लोगों और समाज के अध्ययन करने से पूर्व आधुनिक युग के कारणों को जानना आवश्यक है। तो पहला इसमें आधुनिक युग का आगमन के आधुनिक युग कब प्रारंभ हुआ। आधुनिक युग प्रारंभ करने में सबसे ज्यादा इसका योगदान हमारे जितने भी नाविक खोजी यात्री हैं उनका जाता है। नवीन समुद्री मार्गों की खोज, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की जिज्ञासा रहती है। तो इसी भावना से प्रेरित होकर के लोगों ने देश में नई नई खोजों को करना शुरू किया। इसमें सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया। सन 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इटली का नाविक कोलंबस सन 1492 में पश्चिम की यात्रा को करते हुए बहामा द्वीपों तक पहुंच गया, जिन्हें वह अपने अंत समय तक भारत ही समझता रहा। सन 1520 में मैगलन ने दुनिया का चक्कर लगाने का प्रण किया कि उसे सोचा था कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। इन सभी यात्रियों का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि वो हर देश में जाकर के हर एक राज्य में जाकर के सिर्फ और सिर्फ लाभ कमा सके। लेकिन इन खोजों ने संसार के विषय में मानव की जो धारणा थी, मानव की जो प्रवृत्ति थी, उसे चेंज कर दिया। व्यापार में क्रांति आई और विश्व में उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। उपनिवेशवाद की व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और भी कई समृद्ध लोगों ने इसमें योगदान दिया। व्यवसायी, उद्यमी तथा साहूकार वर्ग पूंजी बढ़ाने एवं उसको संग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुए और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। अब आइए जानते हैं यूरोप में परिवर्तन, यूरोप में परिवर्तन किस तरह से हुआ। इसी समय यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन ने जो चले, उन्होंने धर्म के नवीन मूल्य को प्रस्तुत किया। चर्च का मध्यकालीन राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया तथा उसके स्थान पर उदारवाद यानी कि विनम्र नीति का की धारणाओं को आगे बढ़ाया गया। छपाई कला का आविष्कार किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा अंतर आया। सभी विश्वविद्यालयों में आधुनिक विज्ञान जो इस समय जो साइंस में नए नए जो प्रगति हुई है उस विज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किया गया एक सब्जेक्ट के रूप में, जिससे लोगों में तर्क वितर्क यानी कि आपस में डिबेट करने की, नए नए प्रयोग करने की, नई नई चीजों को जानने की इच्छा जागृत हुई। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ। मध्ययुग के अंतिम काल में इटली में पुनर्जागरण आंदोलन का आरंभ हुआ। यह आंदोलन यूनान और रोम के प्राचीन संस्कृति जो थी उसके पुनरुत्थान यानी कि उनको आगे बढ़ाकर उन्हें एक नया रूप देने के लिए यूरोप में की गई। यूरोप में प्राचीन सिद्धांतों और प्रथाओं के स्थान पर लोगों ने वैज्ञानिक ढंग के तरीकों को, वैज्ञानिक चिंतनों को स्वतंत्र रूप से उदय करने का प्रारंभ किया। उसे नवजागरण कहा गया। नवजागरण के आलोक में यूरोप के लोगों ने वहां में जितने भी निरंकुश यानी कि जो बहुत ज्यादा शासन कठिन तरीके से करते थे, कैथलिक चर्च वाले जो बहुत ज्यादा अंधविश्वासों को मानते थे, सड़ी गली प्रथाओं को मानते थे, बहुत सारी क्रांतियां आई और उन्होंने इस प्रकार की कुप्रथाओं को, इस तरह के निरंकुश शासकों को पूर्ण रूप से समाप्त करके पुनर्जागरण किया और नए नए चीजों, नए नए संस्कृतियों का आगमन हुआ। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट में शेयर करेंगे। शुक्ला, टुडे आई स्टार्ट माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 8 बी सब्जेक्ट हिस्ट्री। लेसन 1 का पार्ट 1 में हमने पुनर्जागरण किस तरह आरंभ हुआ उसके बारे में पढ़ा। तो आइए जान लेते हैं उसकी परिभाषा क्या है। स्वेन के अनुसार पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। डेविड ने पुनर्जागरण को अनेक दूसरे शब्दों से परिभाषित किया है, जिसमें पहला है धर्म के ठेकेदारों से मुक्त होने के शांतिपूर्ण प्रयासों का नाम ही पुनर्जागरण है। चलिए अब जानते हैं पुनर्जागरण के कारण, कि पुनर्जागरण किस कारण से हुआ। पहला है धर्म युद्ध। यूरोप में लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने यूरोप के लोगों को विभिन्न देशों के धर्म और उनकी संस्कृतियों के बारे में जानकारी दी तथा उसमें जो स्वतंत्र रूप से, जो स्वतंत्र तरीके से सोचने की जो शक्ति है उसकी प्रवृत्ति को उजागर किया। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का प्रचार। अरब के लोगों ने यूरोप में इस्लाम धर्म के प्रचार के बहाने अपना आधिपत्य यानी कि अपना अधिकार स्थापित किया
और वहाँ के धर्म और उनकी राजनीति की जो कमियाँ थी उनको सबके सामने प्रस्तुत किया। इस प्रकार वह धर्म और समाज और राजनीति की दशाओं में जो परिवर्तन था उसे बदल पाए। फिर नेक्स्ट है भौगोलिक खोज। यूरोप के साहसी नाविक थे, उन्होंने भौगोलिक खोज यात्रियों ने विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियाँ थी उनको आगे बढ़ाया और नव जागरण जैसे नए द्वार खोले। फिर नेक्स्ट है नवीन आविष्कार। यूरोप के लोगों ने नवीन वैज्ञानिक आविष्कार करके छापे खानों में शिक्षा तथा मशीनों में आविष्कारों के उद्योग के द्वारा खोलकर उनके लिए पुनर्जागरण का एक नया द्वार खोल दिया। फिर नेक्स्ट है भाषा एवं साहित्य। छापे खाने के आविष्कार में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है जिसकी वजह से भाषा और साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ और पुनर्जागरण में इन्होंने ज्ञान से संबंधित कई सार्थक चीजें बनाई। फिर है नगरों की स्थापना। उद्योग और वाणिज्य के विकास ने नए औद्योगिक नगरों की स्थापना की और उन्हें और नए नगर बसाने के लिए प्रोत्साहित किया। इन नगरों ने नए दृष्टिकोण देकर पुनर्जागरण के लिए नया मार्ग खोल दिया। फिर है सामंतवाद का विनाश। 18वीं शताब्दी के आगमन तक यूरोप में सामंतवाद का कलंक हट चुका था। सामंतवाद के विनाश ने वहां पुनर्जागरण लाने में विशेष योगदान दिया। अब आइए जानते हैं पुनर्जागरण के प्रभाव के से क्या प्रभाव निकल गया है। पहला है पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय देश व्यापारी मार्गों की खोज तथा नए उपनिवेश स्थापित करने में जुट गए जिसकी वजह से आर्थिक पूंजीवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। दूसरा है यूरोपीय स्थितियों ने आर्थिक धन कमाने की होड़ में नए नए औद्योगिक केंद्र नए नए व्यापारी मीडिया को विकसित किया जिसके परिणाम स्वरूप जो यूरोपीय शक्तियां थी वो एक दूसरे देश से आर्थिक रूप से शत्रु बन गए। फिर है वर्गीकृति के कारण पूंजीपति पनपने लगे और यूरोपीय देशों में नए कंपनियां स्थापित होने लगी। सभी लोग अपने अपने नए उद्योग धंधे स्टार्ट करने के फलस्वरूप उन्होंने छोटे लोगों को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद है पुनर्जागरण के फलस्वरूप समाज में सामुदायिक भावना और चिंतन का विकास हुआ तथा जनता राजनीतिक अधिकारों के प्रति अधिक से ज्यादा जागरूक हुई। फिर नेक्स्ट है यूरोपीय देशों में निवासी रूढ़िवाद अंधविश्वास को छोड़कर नए प्रतिवादी युग की ओर बढ़ गए और वो नए ऐश्वर्य भोग विलास की तरफ बढ़ते चले गए। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। शुक्ला टुडे स्टार्ट माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 8B लेसन 1 पार्ट 3। इसके पहले के में हमने पढ़ा था कि औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव हुए। अब हम पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति को जन्म देने के क्या क्या कारण थे। पहला कारण है लोहे और कोयले की खोज। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खोज करके नई नई मशीनों का निर्माण किया गया और इन मशीनों से घरेलू उत्पादक बनाए गए तथा नए कारखाना की पद्धति पड़ी आई नए नए कारखाने आए। फिर है नवीन आविष्कार। विज्ञान और शिक्षा की प्रगति के साथ साथ नई नई मशीनों के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। फिर नेक्स्ट है पर्याप्त पूंजी यानी कि सीमित आय। इंग्लैंड के उद्योगपतियों के पास उस समय पर्याप्त पूंजी थी अतः उन्होंने अधिक से अधिक धन कमाने के आकर्ष में लोभ में आकर के नए नए कारखाने डाले और औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। फिर नेक्स्ट है कच्चे माल की उपलब्धता। रॉ मटेरियल दूसरे देशों से लाकर के अपने देशों में उसे नए तरीके से बनाना और माल को बनाना। यूरोप के शक्तियों देशों ने निर्भर राष्ट्रों में अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए। उनमें पर्याप्त कच्चे माल उपलब्ध होने लगे। कच्चे माल की उपलब्धता से धड़ाधड़ कारखाने खोलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया। फिर है बाजारों की सुलभता। जो उन्होंने मटेरियल बनाया उसे बाजार में बेचने के लिए उन्हें एक बाजार की आवश्यकता हुई तो उन्होंने एक सुलभ बाजार बनाया और ये बाजार जो थे वो कारखानों से जो माल आता था वो सुलभ तरीके से मार्केट में सस्ते दाम में बेचा जाता था। श्रमिकों की सुलभता। यूरोपीय शक्तियां एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े देशों से गुलाम खरीद कर लाती थी जो कि उनके कारखानों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर उत्पादन में सहयोग देती थी यानी कि अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश से श्रमिकों सस्ते दाम में खरीद कर उन्हें श्रमिक के रूप में लाया जाता था। फिर परिवहन के साधनों का विकास। स्थल तथा जल परिवहन के विकास ने कच्चे माल लाने तथा तैयार माल की खपत के लिए केंद्रों तक पहुंचाने में बहुत सहयोग दिया। पुर्तगाली परिवहन के साधनों ने औद्योगिक क्रांति के प्रभाव में बहुत बड़ा योगदान दिया यानी कि उसे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उपनिवेशवाद। इंग्लैंड के समान यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशवाद की स्थापना कर वहां अपना तैयार माल बेचकर अधिक से अधिक धन कमाने के लिए औद्योगिक क्रांति को
जन्म दिया। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। इसके पहले में आपने पढ़ा था कि पूंजीवाद के क्या कारण थे। आइए अब जानते हैं पूंजीवाद का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक पूंजीवाद का आरंभ हुआ। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिससे पूंजी अथवा उत्पादन सभी साधनों का संकेंद्रण यानी कि कारखाने के जो मालिक थे उनके हाथों में आ गया। पूंजीवादी लोग अधिकांश मजदूरों का शोषण किया करते थे जिससे समाज में अनेक प्रकार की आर्थिक यानी कि धन से संबंधित असमानताएं आ गई और ये आगे चल के एक प्रकार का विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गई। मजदूरों का जीवन शोचनीय हो गया। आर्थिक असमानता व संघर्ष का जन्म होता है। विश्व में अनेक देशों में इस प्रकार के वर्ष संघर्ष होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवीन राजनीतिक विचारों का उदय। कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन एवं सेंट साइमन ने राजनीतिक चिंतन में समाजवाद यानी कि समाज को लेकर के चलना, साम्यवाद, विनम्रता से रहने के सिद्धांतों को जन्म दिया और दृढ़ मत था कि जीवन में बुनियादी सुधार को करने के लिए समाज की दोबारा से पुनर्रचना होना आवश्यक है। फिर आइए जानते हैं साम्राज्यवाद का प्रसार। इंग्लैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों के नाविक एक व्यापारी 15वीं शताब्दी से ही एशियाई देशों में वस्त्र, मसाला, चाय, साल्ट, पोर्ट तथा चीनी आदि वस्तुओं का व्यापार करते थे। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप के देशों के कारखानों में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा जिस कारण उन्हें अधिक मात्रा में कच्चे माल के स्रोतों को यानी कच्चे माल को उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए उन्हें एक बाजार की आवश्यकता होने लगी और उन्होंने एक नए बाजार का आविष्कार किया। अब आइए जानते हैं नए आंदोलन। 19वीं शताब्दी के दौरान ही मजदूरों ने अपने हितों की रक्षा और प्राप्ति के लिए अपने संगठन बनाने आरंभ कर दिए। इस संगठन को मजदूर संघ या कह सकते हैं इसे ट्रेड यूनियन कहा गया। ये मजदूर संघ एक प्रकार से पूंजीपतियों यानी कि जितने पूंजीपति जो मेन मालिक थे कारखानों के, जो उद्योगपति थे, उनके द्वारा मजदूरों का जो शोषण होता था उनके विरुद्ध जो उनकी मजदूरों की मांगे होती थी उनको मनवाने के लिए एक संघ बनाया गया था। इन संघों ने नई बेहतर जिंदगी के लिए राजनीतिक आंदोलन भी शुरू किए। कुछ विचारकों और दार्शनिकों ने यह मार्ग भी दिखाया और मांग उठाई कि जमीन और कारखाने से संबंधित जितने भी साधन है वो एक मालिक के अंडर ना हो करके वो जो मजदूर है उनके पास दे दिया जाए कि उनका स्वामित्व उन्हें दे दिया जाए। इनमें से दो ऐसे विचारक हुए जिनके सिद्धांतों का सारी दुनिया ने अनुसरण किया। ये दो विचारक थे कार्ल मार्क्स और दूसरे थे फ्रेडरिक एंजेल। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के स्थान पर एक नई अर्थात सामाजिक व्यवस्था समाज की स्थापना होनी चाहिए। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के सारे साधन, जमीन, कारखाने, पूरे समाज की सामूहिक संपत्ति होनी चाहिए यानी कि ये संपत्ति एक कारखाने पति की नहीं होनी चाहिए। इन पर केवल लोगों यानी कि पूंजीपतियों का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके विचारों से प्रेरित होकर पहली सफल क्रांति हुई थी सन 1917 में जो कि रूस में हुई थी जिसने वहां की निरंकुश जो जारशाही थी यानी कि जो शासनशाही था उसे उखाड़ फेंका और क्रांति ने विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया। यही आज से ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।